हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर WPL के फाइनल मैच की, जो कि खेला जाएगा 26 मार्च 2023 शाम को 7:30 बजे ब्रैबन स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। तो अब फाइनल मैच खेला जाएगा वुमेन प्रीमियर लीग का, दोनों बेहद ही स्ट्रॉन्ग टीम्स का, क्योंकि स्टार्टिंग से ही दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस ने तो अपने स्टार्टिंग के 5 मैच कंटिन्यूसली जीते थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चली गई थी। बट दिल्ली भी कम नहीं थी, दिल्ली ने भी अपने स्टार्टिंग के कई मैचेस जीते थे और उसके बाद इनकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चली गई थी। बट अब ये दोनों टीम्स आमने सामने आ गई हैं फाइनल मैच में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इस मैच की प्रिडिक्शन की बारे में इन्फॉर्मेशन जानते हैं हम दोनों ही। वहीं आप देखोगे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, लास्ट मैचेस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, आपको बस एंड तक बने रहना है हमारे साथ। साथ ही आपको बता दें हमारा PSL का टारगेट था 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना और उसमें हमने 25 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और अगर आपको जानना है कि कैसे किया कैसे नहीं किया, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको मिलेगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अब IPL में भी काफ़ी अच्छा हम टारगेट रखेंगे और ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर आप भी करना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम पर ही देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और यहाँ पर बात करते हैं हमारे स्टेडियम की। ब्रैबन स्टेडियम पर फाइनल मैच खेला जाएगा। तो यहाँ की पिच की अगर बात करें तो बैटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, यहाँ पर फ्लैट और स्मॉल बाउंड्रीज है और यहाँ पर 200+ स्कोर काफ़ी आराम से बनाया जा सकता है। साथ ही हमारे जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छी विकेट्स निकालते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है उनका। साथ ही साथ जो हमारे स्पिनर्स होते हैं, जो डे मैचेस होते हैं वहाँ पर हमारे स्पिनर्स थोड़े से ज़्यादा काम आ जाते हैं, बट ये मैच शाम को होने वाला है तो थोड़े से कम कहीं ना कहीं स्पिनर्स हमारे काम आएंगे। वहीं अगर बात करें ओशियनिक कंडीशंस की, तो यहाँ पर आप देखोगे बैट्समैन और बॉलर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ओशियनिक कंडीशंस, तो बैट्समैन और बॉलर दोनों ही काफ़ी कमाल का खेल पाते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे और पेसर्स और स्पिनर्स की बात करेंगे, तो देखोगे 40% यहाँ पर पेसर्स ने विकेट निकाली है, वहीं 60% हमारे स्पिनर्स ने निकाली हैं। तो पिच रिपोर्ट में थोड़ी सी जो है हमने बात करी थी कि डे जो मैचेस होती है ना वहाँ पर स्पिनर्स थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, पर देखोगे कि ओवरऑल भी जो है ना स्पिनर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट के मैचेस में अगर हम बात करें, लास्ट के मैचेस के ये स्टैट्स है, तो 40% विकेट्स हमारे पेसर्स ने निकाली है, वहीं 60% हमारे स्पिनर्स ने निकाली है। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छी जो है विकेट्स निकाल पाते हैं यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू पेसर्स। पेसर्स भी निकालते हैं पर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है स्पिनर्स करते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की। तो टोटल 10 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पर WPL के, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 6। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 157 है। हाईएस्ट टोटल आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया है यहाँ पर 223 का 2 विकेट्स के नुकसान पर। वहीं लोएस्ट देखोगे यहाँ पर गुजरात जायंट्स ने बनाया है 107 रन का। तो देख सकते हो DC ने तो ऑलरेडी हाईएस्ट का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो यानी कि DC काफ़ी अच्छा खेलती है यहाँ पर। मुंबई भी अच्छा खेलती है, पर मुंबई है ना थोड़ा सा DY पाटिल पे ज़्यादा अच्छा खेलती थी, बट अब फाइनल तो ब्रैबन पे ही है और ब्रैबन पर हाईएस्ट बनाया हुआ है DC ने। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लास्ट 3 मैचेस के बारे में। तो UP के साथ इनका लास्ट मैच हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे UP ने 138 बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 142 बनाए, वो भी सिर्फ 17.5 ओवर में। और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच 5 विकेट से जीता था, ब्रैबन स्टेडियम पर ये मैच खेला गया था। तो आप देख सकते हो यूपी को जो है काफ़ी रोक के रखा दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि ज़्यादा रन इन्होंने नहीं बनने दिए, साथ ही साथ 6 विकेट्स भी उनकी जो है निकाल ली थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था यहाँ पर, सभी प्लेयर्स थोड़ा थोड़ा जो है रन्स में अपना अच्छा योगदान दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा जो है टारगेट अचीव कर लिया था, वो भी ओवर कंप्लीट होने से पहले ही। इससे पहले आप देखोगे मुंबई इंडियंस के साथ जो दिल्ली का मैच हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर दिल्ली की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त रही थी कि मुंबई की 8 विकेट्स गिरा दी थी, साथ ही स्कोर भी ज़्यादा बनने नहीं दिया था, सिर्फ 109 का स्कोर बनने दिया था। और दिल्ली कैपिटल्स के मैच 9 विकेट से जीता था, क्योंकि 110 उन्होंने बना लिए थे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, वो भी 9 ओवर में।
तो आप देख सकते हो ये मैच तो काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ था, क्योंकि 9 ओवर में ही 110 इनके जो है रन्स भी बन गए थे और विकेट भी सिर्फ एक ही गया था। तो ये मैच तो काफ़ी कमाल का हुआ था, DY पाटिल पर ये मैच खेला गया था। वहीं इससे पहले देखोगे दिल्ली कैपिटल्स का गुजरात जायंट्स के साथ मैच हुआ, जहां पर गुजरात ने 147 बनाए 4 विकेट्स के नुकसान पर, वहीं दिल्ली ने 136 बनाए, 10 विकेट्स उनकी चली गई थी और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जो है 11 रनों से हार गई थी ब्रैबन के स्टेडियम पर। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे मैचेस खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर, और हम सबको पता है कि एलिमिनेटर में मुंबई जीत कर रहा है, फाइनल में आई है और दिल्ली पहले से ही फाइनल में आ गई थी। वहीं अगर लास्ट के 3 मैचेस में जो सेकंड मैच है देखोगे, मुंबई के साथ ही दिल्ली ने खेला है, यहाँ पर जो है दिल्ली का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बॉलिंग आप देखोगे 8 विकेट्स निकाली मुंबई की, साथ ही साथ 9 ओवर में टारगेट को चेज भी कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और मुंबई के लास्ट 3 मैचेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मुंबई इंडियंस और यूपी का लास्ट मैच हुआ था, जहाँ पर मुंबई इंडियंस ने 182 बनाए 4 विकेट्स के नुकसान पर, वहीं यूपी जो है 110 पर ही ऑल आउट हो गया था और मुंबई ये जो मैच है 72 रन से जीत गया था। DY पाटिल पर ये मैच खेला गया था। तो एलिमिनेटर मैच में मैंने आपको बताया ही था कि अगर मुंबई को ये मैच जीतना है तो अगर बैटिंग फर्स्ट वो करने आते हैं ना, तो उनको 180 या 200 तक का ही टारगेट देना पड़ेगा, तभी यूपी को वो हरा पाएंगे। अदरवाइज़ यूपी जो है काफ़ी अच्छा खेल के टारगेट को चेस कर लेती, अगर 130-140 का टारगेट होता तो वो आराम से चेस कर लेती, बट इन्होंने टारगेट 182 का दिया, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और प्रेशर के चलते ही आप देखोगे यूपी कुछ ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाया, साथ ही साथ विकेट भी उनकी काफ़ी जल्दी जल्दी गई थी। इससे पहले आप देखोगे RCB के साथ मैच हुआ था मुंबई इंडियंस का, जहां पर RCB ने 125 बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, वहीं मुंबई इंडियंस ने 129 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर में, और ये मैच मुंबई इंडियंस 4 विकेट से जीती। DY पाटिल पर यह मैच खेला गया था। और इससे पहले DC के साथ ही मैच हुआ था, जहां पर हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले भी कि DC की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही थी यहां पर, और मुंबई ये मैच 9 विकेट से हार गया था। तो आप देख सकते हो कि मुंबई के लास्ट के मैचेस भी काफ़ी अच्छे गए हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट मैच है यहां पर, जहां पर दोनों मैचेस में मुंबई जीती है, वहां पर परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो कि बैटिंग फर्स्ट करने पर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया है 180 प्लस का, और वहीं बैटिंग सेकंड में ज़्यादा स्कोर नहीं था तो चेज आराम से उन्होंने कर लिया था। तो ये हो गए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दोनों के ही लास्ट के मैचेस। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं टीम कंपैरिजन की ऑन वेन्यू के बेसिस पे, ब्रैबन के ऊपर इन दोनों ही टीम्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में। तो आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 66% मैचेस जीते हैं उन्होंने, एवरेज उनका 167 है और हाईएस्ट है 223। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस ने 3 मैच खेले और तीनों जीते हैं, एवरेज 161 है और हाईएस्ट है 164। तो दोनों टीम्स में कहीं ना कहीं काफ़ी जो है अच्छा खासा कंपटीशन है इस वेन्यू पर भी, क्योंकि आप देखोगे बेशक यहाँ पर मुंबई ने तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं, बट एवरेज और हाईएस्ट जो है ना वो दिल्ली का थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। तो हमें ये तो पता है कि दिल्ली कैपिटल्स इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेती है, साथ ही हमारी जो पिच है वो भी बैटिंग पिच है, 200 प्लस स्कोर बनता है आराम से। तो यहाँ पर जो है काफ़ी हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है फाइनल का, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दोनों ही काफ़ी अच्छे स्कोर बनाती है, और जो भी बैटिंग फर्स्ट करेगा ना उसकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि 180 प्लस का वो स्कोर दे, ताकि सामने वाली टीम उसको चेस ना कर पाए। तो ये हो गया टीम कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर आप देखोगे जमीमा रोजर्स है राइट हैंड बैट्समैन, शिफाली वर्मा राइट हैंड बैट्समैन, तानिया भाटिया विकेट कीपर है, मरिजन कैप राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर है, हमारी मैग लैनिंग कैप्टन है राइट हैंड बैट्समैन है, एलिस कैप्सी है राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर, फिर है शिखा पांडे राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर, अरुंधति रेड्डी है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पूनम यादव लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, जस चौरासन है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हमारी। तो ये हो गए हमारे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11, आपने देख लिया सभी प्लेयर्स हमारे। यहाँ पर हमारे पास 4 मेन बॉलर्स हैं, साथ ही साथ 3 ऑलराउंडर्स और 3 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर है। वहीं अब बात करें मुंबई इंडियंस की, तो देखोगे यस्तिका भाटिया है विकेट कीपर है, हाइली मैथ्यूज है राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, साइका इशाकी लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, चिंतीमणि कलिता लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, नटालिया स्क्राइबर राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, एमिलिया कैर राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर,
हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, राइट हैंड बैट्समैन है, हुमायरा काजी राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पूजा वस्त्रकार, अमनजोत कौर, एस एबल लवोंग तीनों ही राइट आर्म मीडियम बॉलर है हमारे। तो आप देखोगे यहाँ पर तीन मेन बॉलर्स हैं हमारे पास। वहीं अगर बात करें बैट्समैन की तो हमारे पास हरमनप्रीत कौर ही मेन बैट्समैन है, बाकी ऑलराउंडर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं जैसे कि हाइली मैथ्यूज, नटालिया स्क्राइबर और एमिलिया कैर। वहीं साइका इशाकी को जो है मोस्टली बॉलिंग ही दी जाती है, जिंती मणिकलिता को बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कभी कभार दी जाती है। हर मैच में इन्हें लिया, वैसे जो रिसेंट मैचेस हुए हैं वहाँ पे लिया तो गया है, पर हर मैच में इनको जो है खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये हो गई हमारी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 है उनकी रीसेंट फॉर्म के बारे में, कि रीसेंट जो मैचेस हुए हैं WPL के ही उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर। तो जमीमा रोजर्स की बात करेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है हमारी, लास्ट मैच में 3 balls पे 3 run, 1 run आया 4 ball पे 32 runs 28 balls पे। तो जमीमा रोजर्स जो है स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा कर रही थी, परफॉर्मेंस दे रही थी, रन्स बना रही थी, बट लास्ट के 2 matches से आप देखोगे 3 run 1 run ही आए हैं और थर्ड मैच है वहाँ पर जो है 32 रन्स इन्होंने बनाए हैं। वहीं शेफाली वर्मा राइट हैंड बैट्समैन 21 रन्स आए हैं 16 बॉल्स में, 33 रन्स 15 बॉल्स में, 8 रन 7 बॉल्स में। तो ओके इस टाइप का ही परफॉर्मेंस है क्योंकि हर मैच में तो परफॉर्मेंस इनकी तरफ से हमें नहीं देखने को मिलता है, कभी कभार ही अच्छा परफॉर्मेंस ये दे पाती हैं। तानिया भाटिया विकेट कीपर काफ़ी मौके इनको दे रही है, दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग में मौके देती हैं बट स्टिल जो है कभी जो है अच्छे स्कोर इनकी तरफ से नहीं देखने को मिले हैं। देख सकते हो 1 run 4 run 3 run 1 run इतने ही आए हैं इनके बल्ले से। वहीं मैग लैनिंग कैप्टन है, राइट हैंड बैट्समैन है, मैग लैनिंग हमारी कैप्टन साहिबा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, लास्ट मैच में देखोगे 39 रन्स आए हैं 23 बॉल्स में, 32 रन्स 22 बॉल्स में, 18 रन 15 बॉल्स में। तो अभी थोड़े से लास्ट के मैचेस में ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन गया है, ज़्यादा नहीं गया क्योंकि 30 का एवरेज से स्कोर तो दे ही रही है, बट स्टार्टिंग में और भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि 50 और 60 के एवरेज जो है स्कोर ही हमें बना के दे रही थी। नेक्स्ट है मरिजन कैप, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, राइट आर्म मीडियम बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में देखोगे 34 रन्स 36 रन 32 रन्स, तो 30 के एवरेज से ये स्कोर बना के दे रही है। वैसे मरिजन कैप काफ़ी अच्छी बॉलर जो है प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, बट ठीक है एवरेज 30 का दे रही हैं ठीक है। वहीं बॉलिंग देखोगे 4 ओवर में विकेट नहीं आई, 24 रन्स 4 ओवर में 2 विकेट्स 13 रन 4 ओवर में 1 विकेट 24 रन, तो लास्ट के मैच में विकेट नहीं निकाल पाई थी, उससे पहले दोनों मैचेस में विकेट इन्होंने निकाली थी। एलिस कैप्सी है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 34 रन्स 38 रन्स 22 रन्स, तो देख सकते हो इनका भी जो है 30 का एवरेज है, 30 प्लस स्कोर बना के दे देती है। तो हमारे देख सकते हो आप तीन जो मेन प्लेयर्स हैं मैग लैनिंग, मरिजन कैप और एलिस कैप्सी, ये तीनों के तीनों 30 प्लस रन्स इस समय पर बना के दे रहे हैं, बट इनकी टीम में ना बाकी ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इनकी हेल्प करे रन बनाने में। शेफाली वर्मा भी कभी कभी बना पाती हैं, वही तानिया भाटिया और जमीमा रॉजर्स भी रिस्की है, कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, बट ये तीनों मेन प्लेयर्स हैं जो रन बना के देते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और इनको फाइनल मैच के लिए जो है 50 का एवरेज लेके चलना पड़ेगा, 50 तो इनको बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर ये 30-30 भी बनाएंगे ना तो भी बहुत कम ही टारगेट बन पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि बाकी सब प्लेयर्स की तरफ से ना जो है रन उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आगे बात करते हैं शिखा पांडे या राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 4 run फिर 1 run 3 run, तो इतने ही रन्स आ रहे हैं आप देख सकते हो। वहीं बॉलिंग देखोगे 2 ओवर में विकेट नहीं आई 16 रन 4 ओवर में 2 विकेट्स 21 रन 3 ओवर में विकेट नहीं आई 21 रन्स। वहीं नेक्स्ट अरुंधति रेड्डी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है हमारी, 2 ओवर में विकेट नहीं आई 19 रन्स 3 ओवर में 1 विकेट 10 रन्स 3 ओवर में 1 विकेट 25 रन्स, तो अरुंधति रेड्डी को मौका देती है दिल्ली कैपिटल्स। तो हाँ किसी मैच में जो है विकेट नहीं निकाल पाती, अदरवाइज बॉलर अच्छी हैं, ठीक ठाक तरीके से संभाल लेती हैं बॉलिंग को। पूनम यादव लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, लास्ट मैच में देखोगे विकेट नहीं आई, 1 ओवर डाला था उसमें 18 रन्स दे दिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 2 ओवर में विकेट नहीं आई थी 7 रन्स 4 ओवर में 2 विकेट्स निकाली 16 रन्स। राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, 4 ओवर में 2 विकेट्स 28 रन्स 3 ओवर में विकेट नहीं आई 18 रन्स 3 ओवर में विकेट नहीं आई 23 रन्स, तो देख सकते हो कंसिस्टेंसी की कमी है क्योंकि एक ही मैच में विकेट निकाली है, लास्ट के 2 matches में विकेट नहीं निकाल पाई थी। जस जोनासन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है हमारी, इनकी परफॉर्मेंस देखोगे 4 ओवर में 1 विकेट 24 रन्स 4 ओवर में 2 विकेट्स 25 रन्स 4 ओवर में 2 विकेट्स 38 रन्स, तो जेस का परफॉर्मेंस ही जो है कंसिस्टेंस
कंसिस्टेंसी है इनके परफॉर्मेंस में, क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरी दिल्ली कैपिटल्स में सिर्फ एक ही ऐसी ये बॉलर हैं जिन्होंने अपने लास्ट के तीनों मैचेस में विकेट निकाली है, वरना ऐसा कोई दूसरा बॉलर नहीं है डीसी में, ना ही ऑलराउंडर में कोई ऐसी बॉलिंग करा रहा है कि तीनों लास्ट के मैचेस में उसने विकेट निकाली हो। कभी विकेट निकालते हैं, कभी विकेट नहीं निकाल पाते। तो वहीं अगर बैटिंग की भी बात करो, बैटिंग में भी मैंने आपको बताया रन बनाने वाले तीन ही मेन प्लेयर हैं, मैग लैनिंग, मैरिजनकैप, एलिस कैप्सी। जमीनवा से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, हो सकता है फाइनल है तो ये भी 20-30 के एवरेज से स्कोर बना के दे दे। शेफाली वर्मा भी बना के दे सकती हैं 20 तक रन, 10 से 20 का एवरेज पे। तान्या भाटिया से तो क्या ही उम्मीद करेंगे, देख सकते हो इनका लास्ट परफॉर्मेंस। वहीं शिखा पांडे का भी देख सकते हो, बैटिंग में तो कुछ ज़्यादा कमाल का किया है नहीं इन्होंने। तो ये हो गई हमारी दिल्ली कैपिटल्स की रीसेंट फॉर्म, आपने देख लिया है। अब आपको पता चल रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स बेशक जो है लास्ट के मैचेस जीतती आई है, बट यहाँ पर इस समय पर इनका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, कैसा चल रहा है, आपने देखा है लास्ट के मैचेस में। अब बढ़ते हैं आगे, मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, और फिर आप दोनों चीज़ों का ना दिमाग में रख के खुद भी देखना कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दोनों में से कौन है ऐसी टीम जो ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो यहाँ पर है यस्तिका भाटिया, विकेट कीपर है, लास्ट मैच में 21 रन बनाए हैं 18 बॉल्स में, 30 रन 26 बॉल में, उससे पहले 1 रन बनाया था। तो लास्ट के दो मैचेस सही फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया अब तो रन बना के देने ही पड़ेंगे मुंबई इंडियंस को अगर आगे लेके जाना है। तो एलिमिनेटर में भी 21 रन बना दिए थे, उससे पहले 30 बनाए थे, बट उससे पहले सिर्फ एक ही बना पाई थी। तो यस्तिका भाटिया भी थोड़ी जमीमा रॉजर्स की तरह ही है, रिस्की है क्योंकि कभी रन बनाती है कभी रन नहीं बनाती है। हैली मैथ्यूज राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट मैच में 26 रन 24 रन 5 रन। हैली मैथ्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफ़ी अच्छा संभालती है। इस समय पर देख सकते हो थोड़े से कम रन बना रही हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छी प्लेयर है, रन समय बना के दे सकते हैं क्योंकि पता है फाइनल होने वाला है यहाँ पर। वहीं बॉलिंग देखोगे, 3 ओवर में 1 विकेट 21 रन, 4 ओवर में विकेट नहीं आई 18 रन, 2 ओवर में 1 विकेट 27 रन। तो इसीलिए मैं बोल रही थी हैली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेशक 20 से 30 का एवरेज स्कोर इस समय पर दे रही है, बट बॉलिंग में भी संभाल ही लेती है। फिर हरमनप्रीत कौर राइट हैंड बैट्समैन, 14 रन 2 रन 23 रन। तो हरमनप्रीत कौर थोड़े टाइम से ही जो है कम रन बना के दे रही हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग की बात करें ना तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा 30-40 रन का जो एवरेज है उतने से स्कोर बना के दे रही थी। वहीं नेक्स्ट है हमारे पास नटालिया स्क्राइबर, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर है हमारी। वहीं लास्ट मैच में काफ़ी कमाल कर गई थी, 38 बॉल्स में देख सकते हो 72 रन है, उससे पहले 13 रन, उससे पहले 0 पर आउट हो गई थी। तो हैली मैथ्यूज़ और नटालिया स्क्राइबर दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुंबई इंडियंस के लिए, कि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। जैसे आप देखना कि नटालिया ने लास्ट मैच में काफ़ी कमाल परफॉर्मेंस दिया है, स्टार्टिंग में नटालिया और हैली दोनों ही काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस इसी टाइप का दे रहे थे, 60+70 का जो एवरेज है ये। वही नटालिया की बॉलिंग देखोगे, 3 ओवर में 1 विकेट निकाली 21 रन्स, 4 ओवर में 2 विकेट निकाली, और वहाँ 2 ओवर में विकेट नहीं निकाल पाई थी। तो लास्ट के दोनों मैचेस में विकेट भी निकाली है इन्होंने। एमिलिया के राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में 29 रन्स, उससे पहले 31 रन्स, उससे पहले 8 रन्स। तो एमिलिया भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। वहीं इनकी बॉलिंग देखोगे, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाल पाई थी, पर उससे पहले देखोगे 4 ओवर में 3 विकेट्स, 1 ओवर में विकेट नहीं आई थी, 2 रन्स दिए थे। तो एमिलिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफ़ी अच्छा संभालती है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें ना कि मुंबई इंडियंस में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो रन बना के देते हैं, तो वो है यस्तिका भाटिया, कभी कभार नहीं चलती है बस, वरना बना के दे देती है 20-30 का एवरेज। उसके बाद है हैली मैथ्यूज, नटालिया स्क्राइबर, हरमनप्रीत कौर, एमिलिया कैर। ये चार प्लेयर्स ऐसे हैं ना, अगर ये अच्छे से खेल जाए ना तो मुंबई इंडियंस आराम से 200+ स्कोर बना सकता है। तो ये चारों प्लेयर का फाइनल के लिए मैच में चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्होंने रन बना दिए ना तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिलेगा। हुमायरा काजी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 2 रन, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 4 रन। वहीं अगर बॉलिंग की बात करोगे, 1 ओवर कराया था तो विकेट नहीं निकाल पाए थे। तो देख सकते हो जैसे आपको दिल्ली कैपिटल्स में प्लेयर्स देखने को मिले हैं ना जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे मुंबई इंडियंस में भी हैं। वहीं चिंतामणि कलिता हैं,
लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 3 रन 2 रन इतने ही बनाए हैं। वहीं बॉलिंग में लास्ट मैच में 1 विकेट निकाल ली, उससे पहले बॉलिंग में विकेट नहीं निकाल पा रही थी। तो देख सकते हो दिल्ली में भी जो हाल है वो यहाँ पर भी है, बट स्टिल यहाँ के जो ऑलराउंडर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हैं अपनी टीम के स्कोर्स को, रन वो बना के दे देते हैं। नेक्स्ट साइका इशाकी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर। तो साइका का मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, साइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग इनसे नहीं करवाते हैं, बॉलिंग ही करवाते हैं मेन। वहीं लास्ट मैच में देखोगे 2 विकेट्स निकाली हैं, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं निकाली थी। और ये वही प्लेयर है जिसने मुंबई इंडियंस के लिए ना 1 मैच में 3 विकेट्स भी निकाली हैं। तो साइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पूजा वस्त्रा का राइट आर्म मीडियम बॉलर है, लास्ट मैच में देख सकते हो 1 विकेट निकाल ली है 1 ओवर में ही। अमनजोत कौर ने जो है विकेट नहीं निकाला था लास्ट मैच में, 1 ओवर कराया गया था इनसे। एसबेला वोंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि 4 ओवर में 4 विकेट्स निकाल ली थी, 4 ओवर में 2 विकेट्स निकाली हैं, 2 ओवर में विकेट नहीं निकाल पाई हैं। तो वहीं अगर बात करें कि मुंबई इंडियंस में विकेट कौन निकालता है, बॉलिंग कौन अच्छी कर लेता है, हाइली मैथ्यूज़, नटालिया स्क्राइबर, एमिलिया कैर, तीनों के तीनों ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कमाल करते हैं, 2-2, 3-3 विकेट भी निकाल जाते हैं। वहीं मेन बॉलर्स में अगर बात करोगे तो एसबेला वोंग काफ़ी अच्छा कर लेती हैं, वहीं साइका इशाकी भी एज अ बॉलर ही यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा कर लेती हैं। तो मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि आप भी देख सकते हो स्कोर में अच्छा खासा डिफरेंस है, और वहीं प्लेयर्स में ना कहीं दिल्ली में थोड़ी सी कमी है। जैसे कि यहाँ पर भी है हुमायरा काजी, चिंतामणि कलिता जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना के दे पाती हैं, वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा स्कोर बना के नहीं दे पाते हैं, बट यहाँ पर जो ऑलराउंडर्स हैं ना, हैली, नटालिया, एमिलिया कैर, ये काफ़ी अच्छा संभाल लेते हैं। साथ ही साथ कैप्टन साहिबा जो है इनकी, हरमनप्रीत कौर, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से खेलती हैं। तो ये हो गई मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की रीसेंट फॉर्म। अब बात कर देते हैं हम लोग अपनी ड्रीम 11 टीम की। तो ये है फाइनल मैच की ड्रीम 11 टीम। अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंज आएगा, वैसे तो मोस्टली चांसेस है यही प्लेइंग 11 रहेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंज आता है ना प्लेइंग 11 में, तो एक और ड्रीम टीम हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही कर सकते हैं ना। इसीलिए विकेट कीपर में आप देखोगे यस्तिका भाटिया को लिया है क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस से अच्छा ही कर रही है और फाइनल है तो इनको भी पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ही देना है यहाँ पर। वहीं बैटर्स में देखोगे जमीमा रोजर्स हैं, मैग ग्लेनिंग और हरमनप्रीत कौर। मैग ग्लेनिंग को कैप्टन बनाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है इनकी तरफ से क्योंकि एक तो ये दिल्ली कैपिटल्स की जो है कैप्टन खुद भी है, साथ ही साथ फाइनल मैच है तो पूरी जान तो ये लगाने वाली है यहाँ पर। ऑलराउंडर्स में अगर देखोगे मरिजाना कैप है, हैली मैथ्यूज़ है, नटालिया स्क्राइबर, वाइस कैप्टन एमिलिया कैर, चारों के चारों ऑलराउंडर कमाल है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिलेगा इनकी तरफ से। बॉलर्स में देखोगे जस जोनासन, एसबेला वोंग और साइका इशाकी, तीनों की मैंने आपको रिसेंट परफॉर्मेंस बताई है कि विकेट निकाली है। साइका का मैंने आपको बोला कि बॉलिंग कराते हैं तो इनको एज हमने बॉलर ही ले लिया, बैटिंग में वैसे भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं अब तक, लेकिन बॉलिंग में करा है तो इनको एज अ बॉलर हमने ले लिया है। तो ये है हमारी ड्रीम 11 टीम। अगर आपको ड्रीम 11 चाहिए हो और किसी मैच की, जैसे और भी सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, तो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी अलग अलग मैचेस की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ की, सभी मैचेस की जो है ड्रीम टीम हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो देखोगे बैटिंग फर्स्ट के यहाँ पर जो है 40% मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड के जीते गए हैं 60%। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 157। वहीं आपको बता दूं जो भी यहाँ पर टॉस जीतेगा वो चेजिंग चूज़ करने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 180 से 200-200 तक का स्कोर बना के दे दिया ना, तो बैटिंग सेकंड यहाँ पर नहीं जीत पाएगी क्योंकि हमें पता है कि चेज करना बेशक इस ग्राउंड पर ईजी है, बट 180 से 200 के टारगेट को चेज करना कोई आसान बात नहीं है। और जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी ना, उसका यही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं, और बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो इतने रन बनाने हैं ना कि सामने वाली टीम उसको चेज ना कर पाए। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखना आपने कि जो भी यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करेगा ना, अगर उसने 180 प्लस का स्कोर बना दिया
तो उसके जो है चांसेस है मैच को जीतने के और चेज करने वाली टीम को नहीं है। लेकिन अगर स्कोर बनता है 140-150 का तो आप मान लेना चेज करने वाली टीम जीतेगी यहाँ पर, क्योंकि इतना चेज हो सकता है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फाइनल मैच है, दोनों टीम्स इतनी ज़्यादा मैचेस खेल के आगे आई है तो दोनों के लिए जो है ना चेज करना कहीं ना कहीं 140 से 150 के टारगेट को तो आराम से ही कर लेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं हमारे। ये हो गया हमारा टॉस प्रेडिक्शन, आगे बढ़ते हैं विनिंग प्रेडिक्शन पे। तो विनिंग प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतने वाली है, मार्केट लोड भी मुंबई इंडियंस पे है। साथ ही हमने ये भी देखा है प्लेयर्स की जो रिसेंट फॉर्म है वहाँ पर, कि कौन से प्लेयर्स, कौन सी टीम के प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि मुंबई इंडियंस में ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करके हमें दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के भी प्लेयर्स अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं कमी है दिल्ली कैपिटल्स में। और ये है WPL के फाइनल मैच की मैच प्रिडिक्शन कि मुंबई इंडियंस यहाँ पर मैच जीतने वाली है। और ड्रीम इलेवन की भी हमने बात करी ली है, बट प्लेइंग इलेवन में अगर कोई चेंज होगा ना तो एक और ड्रीम टीम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।